इतनी मेहनत की है आपने अपने पर्टिकुलरली इस किरदार के लिए, टेल अस लाइक यू वेंट थ्रू व्हाट, किस किन किन चीजों से गुजरना पड़ा इस किरदार के लिए? असल में इस किरदार के लिए मैंने जितनी मेहनत की है, इस पूरे शो के लिए सब उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। ये एक पहला ऐसा शो है जिसमें मैं देख रही हूँ कि हर एक एक्टर इंटेंसली इन्वेस्टेड है शो में। हमारे जो डायरेक्टर भी है वो बहुत ही मेहनत करके शो की स्टोरी लाइन को इस हद तक फैक्ट्स के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जब देखें तो आपको लगे कि हाँ, दिस इज समथिंग वेरी रियल जो आप विटनेस कर रहे हैं। इट इज वेरी क्लोज टू रियलिटी ऑनेस्टली। अब बात अगर मेरी है तो हाँ, मैं एक सर्जरी के फेज से गुजरी और मैंने अपने आपको अच्छे से प्लान किया कि मैं किस तरह से उस फेज से, जब मैं बिल्कुल ही नहीं चल पा रही थी, वहां से आई कैन परफॉर्म वेल इनफ टू जस्टिफाई पार्वती, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे डाली है सचिन जी ने, और मैं चाहती थी कि फुल जस्टिस कर पाऊं। सो यस, आई बाउंस्ड बैक एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट द जर्नी दैट आई हैव डन। सो मतलब एक्शन फुल ऑन देखने मिलेगा आपकी तरफ से? बात मांग के ले रही हूं एक्शन। एजाज, आप बताइए, आप जिस तरीके से दिव्यांगा ने इतनी मेहनत की है, आपकी भी उतनी ही मेहनत थी? क्योंकि उन्होंने कहा सब तीन महीने में घर पर बैठा था, संजय भी रुका के रखा था, शूटिंग शुरू होने के लिए नहीं, शुरू होने के लिए साइन करके रखा था, और कुछ करने नहीं दिया मुझे। तो इतना सारा भरा पड़ा था ना मैं कि आते ही बैठू, आते खूब एक्टिंग की हमने भर के। यार बहुत लोग हैं जिनको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए, हम पर्दे के सामने आते हैं इसीलिए क्रेडिट मिल जाता है, बट इस शो के भी अनसंग हीरोज बहुत हैं। सचिन जी वन ऑफ देम, अभी वो सामने बैठे तो तारीफ करनी पड़ेगी। इनफैक्ट उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया है इसका, जो आप ट्रेलर देख रहे हैं उसका म्यूजिक भी दिया है। हमारे शो रनर है चाणक्य जी, हमारे पूरे यूनिट है, हमारे डायरेक्टर साहब जो हमें मेंटर करते हैं सब, उन्हें इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता है फॉर्चुनेटली। फिर अंशुमन जी और आलोका जी है जो इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हुए हैं और वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग दे हैव मेड श्योर दैट हम कहीं भी गलत ना जाए। व्हेन कम्स टू प्रेपरेशन, माय डायरेक्टर हैड टोल्ड मी के मैं जवान के बाद थोड़ा फिजिक मेरी बहुत स्ट्रांग थी, तो इस शो में बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी एजेंट रास्ते पर चल रहा है, PIA का जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी हमने इजाद की है, तो वो अलग नहीं दिखना चाहिए। ही शुड लुक अ पार्ट ऑफ द क्राउड, ही शुड लुक इनविजिबल, ही शुड लुक यूनिक, अलग दिखे या हीरो की तरह दिखे या हीरोइन की तरह दिखे या कुछ एकदम स्पेशल उसके बारे में दिखे। तो वो सब चीज़ें हमने जहन में रखते हुए इसे बहुत नॉर्मलाइज किया है। नॉट ओनली जब हम एजेंसी का काम कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी, मतलब उनके रियल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी हमने बहुत कोशिश की है कि वो बहुत नॉर्मल रहे, जो आम जिंदगी में होता है वैसे सिचुएशंस है, उनमें अपने आप एक ह्यूमर निकलता है तो वैसे रखें। बाकी तो आप देखिए और आप जज कीजिए कि हम इस एफर्ट में कितने कामयाब हुए। आमतौर पर हम जब ऐसे शोज देखते हैं तो हम सिर्फ फील्ड वर्क देख रहे होते हैं, तो जैसे कि एजाज जी ने कहा कि जो घर की लाइफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे शो का, जहाँ पे आप देखते हैं कि दे आर लाइक रियल पीपल। तो सचिन जी ने, चाणक्य जी ने बहुत खूबसूरती से हमारी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ इंटरट्वाइन किया है कि वहां पे भी हमारी जो डिफिकल्टी होती है लाइफ को बैलेंस करने में वो दिखाया गया है। एंड आई एम श्योर आप लोग देखेंगे तो यू विल गेट हुक्ड, बिकॉज हम आपको आप ही के जैसे नजर आएंगे। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दिव्यांका एंड मी आर नॉट कास्ट ऑपोजिट ईच अदर, वी हैव अ डिफरेंट फैमिलीज, बट यू विल सी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन रवि वर्मा एंड पार्वती सहगल। उनकी अपनी जाती जिंदगी में वो सब कुछ अपने लोगों को नहीं बता सकते, ना अपने काम के लोगों को ना अपने फैमिली के लोगों को। ये दो ही हैं जो एक दूसरे में कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कैसे करते हैं, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। राइट राइट, दिव्यांका जैसे कि यू नो एजाज ने बताया 3 महीने उनके लिए तो भारी था, लेकिन वो 3 महीने आप घर में थी, विवेक की तरफ से किस तरह से सपोर्ट मिला उस सर्जरी
से जब आप रिकवर कर रही थी या उस दौरान कितना सपोर्ट मिला है? कोई अवार्ड है क्या स्वीटेस्ट हस्बैंड एवर वाला? मेरी को दे देते हैं क्योंकि नहीं, उन्होंने सच में बहुत पेशेंस रखा मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि एक वो पेनफुल प्रोसेस होता है और उसमें मैं बहुत फोकस्ड थी कि मुझे कहीं पहुंचना था। और उनके लिए भी पहले वो हमेशा बोला करते थे वर्कआउट करो। इस बार ऐसा था कि मुझे करना ही नहीं, बस ट्राइंग टू स्टॉप मी कि नहीं पहले हील हो जाओ उसके बाद में तुम्हें जो करना है। सो ही रियली हेल्प्ड मी विथ माय एंटायर स्केचिंग अप ऑफ दिस वर्कआउट प्लान कि मैं कैसे फिजियोथेरेपी करूँ, कब करूँ। ही वॉज अ पार्ट ऑफ एंटायर प्रोसेस। तो हाँ, यहाँ पे शायद हमारे प्रोजेक्ट में उनका भी थोड़ा योगदान है, आशीर्वाद है। और लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, इस शो के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपॉइंटमेंट है आप लोगों का हमारे साथ में, याद रखिएगा, इट इज ऑन 11th of April थर्सडे फ्राइडे रात 8 बजे। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? मैं तो शो के बारे में यही कहना चाहूंगा, जैसे शो निकल गया है, शुरू के कुछ एपिसोड हम लोगों ने देखे, शायद मैं उसको प्रोड्यूस भी कर रहा हूं तो मैं बायस हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन शो है और जो भी इससे जुड़ेगा शुरू से एंड और ऐसे फेसेस होना वो भी एक ब्लेसिंग है। दिव्यंका त्रिपाठी और एजाज खान उसको लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो भी देखेगा उसको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और एक नई लाइफ देखने को मिलेगी कि हमारी कंट्री के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो कैसे कोप करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं फैमिली लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, जैसे दिव्यंका जी ने अभी बोला, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट इस शो में भी दिखाया गया है। सिर्फ ऑपरेशंस नहीं दिखाए गए हैं, वो अपने परिवार को लेके कितने कॉन्शियस हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं। कभी कभी परिवार के ऑपरेशन और ज्यादा हावी हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। थैंक यू। चलो आप।